यात्रा। किसी राज्य में राजा वासुदेव का शासन चलता था। राजा वासुदेव बहुत शक्तिशाली और दयालु राजा थे। एक दिन राजा के महल में जुड़वा राजकुमारों का जन्म होता है, जिनका नाम वो शौर्य और धैर्य रखते हैं। देखते ही देखते समय बीतता है और दोनों राजकुमार तंदुरुस्त और फुर्तीले युवक बन जाते हैं। एक दिन दोनों राजकुमार महल के बगीचे में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं। भाई, आप देख लेना, आज तो हम ही जीतेंगे। अरे पहले सही से तलवार चलाना तो सीख लो, फिर हमसे जीतने की बात करना। हम दोनों ने तलवार चलाना एक साथ ही सीखा है, तो आपको मुझसे अच्छी शस्त्र विद्या कैसे आती है? आप निराश ना हो, हम बहुत जल्दी आपको भी शस्त्र विद्या में बिल्कुल अपने जैसा बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रतिदिन कड़ा अभ्यास करना होगा। इसके बाद दोनों भाई हंसते हुए महल के अंदर चले जाते हैं और इसी तरह खुशी खुशी समय बीतता जाता है। एक दिन राजकुमार शौर्य और राजकुमार धैर्य साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी राजकुमार शौर्य दुनिया घूमने की अपनी इच्छा अपने भाई के सामने रखते हैं। विचार तो अच्छा है, परंतु क्या आप ये सब अकेले करना चाहते हैं? क्या हम साथ नहीं आ सकते? हम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हैं, परंतु अब हम अकेले दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं। अपने भाई की उत्सुकता देखकर राजकुमार धैर्य उनकी बात मान लेते हैं और दोनों भाई मिलकर अपने पिताजी राजा वासुदेव को भी समझा लेते हैं, जिसके बाद राजकुमार शौर्य बिना किसी देरी के तुरंत अपने जाने की तैयारी करने लगते हैं। आप चले तो जाओगे, परंतु अगर कभी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े या हमें आपकी जरूरत पड़े तो हम आपसे संपर्क कैसे करेंगे? भाई, आप इसे हमेशा अपने साथ रखना। हमने जादूगरनी से इस पर जादू करवा रखा है, जिससे अगर हमें कभी भी कुछ होगा तो इस तस्वीर पर अपने आप खून के निशान आ जाएंगे और हमें पता है कि आपको हमारी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ये बोलकर राजकुमार शौर्य तस्वीर अपने भाई के हाथ में पकड़ाकर महल से चले जाते हैं। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जाते हैं और राजकुमार धैर्य अपने भाई के सलामत होने की खबर लिए प्रतिदिन उनकी तस्वीर देखते रहते हैं। देखते ही देखते एक साल बीत जाता है, लेकिन राजकुमार शौर्य की कोई खबर नहीं आती। एक दिन जैसे ही राजकुमार धैर्य अपने भाई की तस्वीर देखते हैं, तो उस पर खून के निशान देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं तथा जल्दी ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर उन्हें खोजने निकल जाते हैं। वो दुनिया के किस कोने में होंगे हमें नहीं पता। हम उन्हें कहां और कैसे ढूंढेंगे हमें वो भी नहीं पता, परंतु हम अपने भाई को कभी कुछ नहीं होने देंगे। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और राजकुमार धैर्य बिना किसी मंजिल के बस सफर करते रहते हैं, परंतु उन्हें राजकुमार शौर्य के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। एक शाम राजकुमार आराम करने के लिए किसी गांव में रुकते हैं, जहां उन्हें एक वृद्ध औरत मिलती है। आप तो किसी राज्य के राजकुमार लगते हैं, और एक राजकुमार होते हुए आप हम गांव वासियों के बीच क्यों? आपको तो राजमहल में होना चाहिए। भाई की खोज में चलता मुसाफिर हूँ, जहाँ जगह मिल जाती है वहीं आराम कर लेता हूँ। इसके लिए किसी भी राज्य के महाराज को क्यों परेशान करना? आप बहुत ही नेक दिल लगते हैं, भगवान आपको सफलता दे। आइए खाना खा लीजिए। राजकुमार धैर्य जैसे ही खाना खाने के लिए नीचे बैठते हैं, तभी उनकी जेब में से राजकुमार शौर्य की तस्वीर निकलकर जमीन पर गिर जाती है। हमारे राजा, क्या ये आपके भाई हैं? हाँ, लेकिन ये आपके राजा कब बने? ये तो दुनिया की यात्रा करने के लिए निकले थे। पिछले साल राजकुमार ने हमारी राजकुमारी के साथ विवाह किया था,
जिसके बाद महाराज ने पूरा राज्य उनके नाम कर दिया और ये हमारे नए राजा बन गए। परंतु एक दिन पड़ोसी राज्य ने अचानक हमारे राज्य पर हमला कर दिया, जिसके बाद हमारी सेना और उनकी सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। कुछ समय बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो सेना के सभी जीवित सैनिक तो अपने अपने घर वापस आ गए, लेकिन हमारे राजा आज तक वापस नहीं आए। वृद्ध औरत की बात सुनकर राजकुमार धैर्य बहुत चिंतित हो जाते हैं तथा अपने सभी सैनिकों को वहीं छोड़कर तुरंत अपने भाई को ढूंढने के लिए औरत के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है। कुछ देर इसी गुफा में आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। राजकुमार धैर्य जैसे ही गुफा के अंदर पहुँचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। भाई, आप यहाँ कैसे? आप ठीक तो हैं? उस युद्ध में आपको कुछ हुआ तो नहीं? ये सब हो क्या रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कौन हैं और हमें अपना भाई क्यों बोल रहे हैं? हम आपको नहीं जानते। अपने भाई का ऐसा व्यवहार देखकर राजकुमार धैर्य बहुत अचंभित हो जाते हैं, जिसके बाद वो कुछ सोचे समझे बिना अपने भाई को उनके बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें याद दिलाने लगता है, जिसके कुछ देर बाद राजकुमार शौर्य को अपने जीवन की सभी घटनाएं और फैसले याद आ जाते हैं। भाई, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आज आप यहाँ आकर हमें सब कुछ याद नहीं दिलाते तो ना जाने हम और कितने समय तक अपने परिवार से दूर इस गुफा में बैठे रहते। इसके बाद दोनों भाई राजकुमार शौर्य की पत्नी को अपने साथ लेकर सम्मान के साथ अपने राज्य वापस आ जाते हैं और एक बार फिर से सभी एक साथ रहने लगते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।